आप देख रहे पिटौंटे न्यूज़। चोरों पर कहर बनकर टूटी पुलिस। चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 4 साथी चोरों को किया गया गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। थाना मंडी पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 4 साथी चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी किए गए आभूषण, सोने व चांदी व चोरी का अन्य सामान, नकदी एवं 4 अवैध चाकू बरामद किए गए। पुलिस लाइन स्थित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना मंडी क्षेत्र के निवासी रशीद अहमद पुत्र फुरकान के घर पर 18 जनवरी 2024 को हुई चोरी की घटना में प्रभारी निरीक्षक नेमचंद सिंह के कुशल नेतृत्व में आज थाना कोतवाली मंडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 4 साथी चोर सलमान, अनस, वाहिद व तस्वर को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी किए गए आभूषण, सोने चांदी व चोरी का अन्य सामान, नकदी एवं 4 अवैध चाकू बरामद किए गए। पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि बीड़ी के पूड़े, पान बहार, कमला पसंद, सिगरेट और सिक्के हम चारों ने मिलकर बेहद अड्डे के पास 5-6 दिन पहले सुबह के समय दुकान का शटर उखाड़ कर चोरी किए थे तथा जेवरात काफ़ी समय पहले आज़ाद कॉलोनी के एक घर से सुबह के समय चोरी किए थे। लैपटॉप के बारे में पूछने पर बताया कि यह लैपटॉप हम चारों ने 62 फुटा रोड से जन सेवा केंद्र थाना कुतुब शेर से रात के समय दुकान का शटर काटकर चोरी किया था। सहारनपुर से अब्दुल रहमान की खास रिपोर्ट। पकड़े गए हैं चार, किस प्रकार से ये अंजाम दे रहे थे घटनाओं, कितनी घटनाओं का खुलासा किया है? कुछ दिनों पूर्व थाना मंडी में बेहट रोड पर 2 दुकानें थी, एक परचून की दुकान जिसमें थी उसका शटर फाड़ा गया था और उसमें से कुछ ये सिगरेट, बीड़ी और कुछ पैसे उसमें से निकाल लिए गए थे गल्ले में से। और जब हमने उस घटना का CCTV फुटेज देखा तो उन जो पूरे गैंग को हमने ट्रेस बैक किया तो पता चला कि थाना कुतुब शेर में भी इनके द्वारा एक जनसेवा केंद्र था, उसका शटर फाड़ के भी उसमें से लैपटॉप निकाला गया था। तो एक गैंग काफ़ी सक्रिय था और थाना मंडी ने काफ़ी अच्छा इसमें CCTV फुटेज को देखते हुए इस गैंग का पूरा अनावरण किया है। ये चारों लड़के खाताखेड़ी के रहने वाले हैं और इनके पास से सब पूरी की पूरी बरामदगी हुई है, जो दुकानों में गई थी, जो जनसेवा केंद्र में से लैपटॉप गया था वही बरामद हो गया है और इनको आज गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। सर, घटना को कैसे अंजाम देते थे, क्या रेकी किस प्रकार से करते थे और घटना कैसे अंजाम देते थे? इनका बहुत सिंपल सा मॉडस ऑपरेंडी था, नए लड़के थे और अभी अपराध की दुनिया में कदम रख रहे थे। इनके द्वारा जो देखा जाता था कि जो दुकानें थीं और जो जहाँ के आसपास कोई लोग नहीं दिखते थे, शांति की जगह में हैं दुकानें, सुनसान जगह पे हैं, उन दुकानों को ये टारगेट किया करते थे और अपने हाथ से ही ये शटर फाड़ लिया करते थे। इससे पहले कहाँ कहाँ घटना? इससे पहले भी थाना मंडी में भी इन्होंने घरों में उसके नकबजनी भी करी है, वो भी इनके द्वारा कबूल की गई है। और इनमें 2 लड़के जो हैं उनके में आर्म्स एक्ट और मारपीट का जो आपराधिक इतिहास है। इसे मेन सरगना ऐसा कोई अलग दूसरी कोई पर्टिकुलर इसमें से आदमी नहीं है, इनमें चारों ही लोग थे, चारों का इक्वली इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहा।